तो यहाँ पे हमने 2 किलो नींबू ले लिए, इनको अच्छे से धो के सुखा लिया है, पानी नहीं होना चाहिए ज़रा सा भी। और एक बड़े बर्तन में इनको काट ले ताकि हम अच्छे से मिक्स कर पाए। और यहाँ पे लिए चीनी और रेड मिर्च, गरम मसाला, थोड़ा काला नमक और ये केमिकल। ये 2 किलो नींबू के लिए इतना काफ़ी होगा। और यहाँ पे चीनी डाल दी है, अभी इसमें केमिकल ऐड करेंगे। और अभी इसके बाद नमक ऐड कर देंगे, इसमें नमक डाल दें और फिर इसमें जाएगी अभी ये गरम मसाला। और फिर डालेंगे अभी इसमें रेड मिर्च, दो सारा सामान साथ ही डाल दें। अच्छे से डल गया है, अभी इसको मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद हम इसको फिर एक जार में ट्रांसफ़र करेंगे। आप हाथों में ग्लव्स भी डाल सकते हैं, ग्लव्स लगा के इसको मिक्स कर लें। ये अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम ताकि कोई भी नींबू छूटे ना। अच्छे से इसको मिक्स कर ले, ऐसे उलट पलट के हाथों से करेंगे तो अच्छे से हो जाएगा। ये देखिए मम्मी ने कितने अच्छे से इसमें मिक्स कर दिया है। और मिक्स करने के बाद अभी हम इसको एक डब्बे में ट्रांसफ़र करेंगे। अगर कंच का जार है तो उसमें ट्रांसफ़र करें, वो सबसे अच्छा रहता है। लेकिन हमारे पास अभी अवेलेबल मतलब खाली नहीं है, तो अभी इसमें डब्बे में ट्रांसफ़र करेंगे। और डब्बे में ट्रांसफ़र करने के बाद इसको एक हफ्ते तक 10 से 15 मिनट के लिए धूप लगा लेंगे। इसमें सूती कॉटन का जो कपड़ा होता है वो बांध लें, धूल मिट्टी ना घुसे। और इसका ढक्कन उतार के 10-15 मिनट डेली धूप लगा लें 5-6 दिन के लिए। तो ये देखिए हमने डब्बे में इसको डाल के रख दिया है। हमारा अचार यहाँ पे बन के बिल्कुल तैयार है। इसको 1 साल तक के लिए रख